नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अब खबरें अन्य राज्यों से। शाजापुर में मोमोज बैंक अफेरी बैकरी को लेकर एक्सपायरी और कीड़ी लगी खाद्य सामग्री बेचते हुए पकड़ा गया। कलेक्टर ऋतु बाफना के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच के दौरान ये कार्रवाई की गई। बेकरी को सील कर दिया गया है और अग्रिम जांच के लिए नमूने भी लिए गए हैं। त्योहारी सीजन में मिलावटी और गुणवत्ताहीन खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाने की ये पहल की गई। शाजापुर से सैयद आफताब की रिपोर्ट। क्या पूरी कार्रवाई की गई? देखिए, कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार हम लोग जितनी भी खाद्य सामग्री है जो कि शहरों में अलग अलग प्रकार की खाद्य सामग्री बिक रही है, उसकी जांच के लिए यहाँ पे बेकरी जो है जहाँ पे है बेकरी है वहाँ पे उपस्थित हुए थे। मैं राजस्व की टीम और खाद्य की टीम, उसमें हम लोगों के द्वारा जब जाँच की गई तो उसमें काफ़ी सारे एक्सपायरी डेट्स के प्रोडक्ट्स पाए गए। कुछ कुछ चीज़ों में कीड़े और इस तरीके की मकड़ी की जो स्थिति है वो भी मिली। जो प्रोडक्ट इनके द्वारा बनाए गए थे उसकी लेबलिंग भी नहीं पाई गई है और जो साफ़ सफाई भी जो मानक साफ सफाई के तय किए गए वो भी यहाँ पे नहीं थे। जो मानक से डस्टबिन होने चाहिए वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो काफ़ी सारी अनियमितताएँ यहाँ पे पाई गई जिसके जिसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए हमारे द्वारा बेकरी को सील किया गया है और जो भी स्थिति होगी उसमें अग्रिम कार्रवाई। इसके अलावा शहर में भी बाकी जगह भी कार्रवाई हुई है? हाँ, बाकी जगह भी हमारे द्वारा सुबह से कार्रवाई की जा रही है। पिछले 3 दिन से हमारे द्वारा लगातार सैम्पलिंग की और जो भी आवश्यक कार्रवाइयाँ हैं वो की जा रही हैं और अभी आज भी शाम तक की कार्रवाई जारी है। सामान मिला इसका क्या उसकी हम लोगों ने सैंपलिंग ले ली है और उसकी जांच होगी और उसको बाकी इसी वजह से हमने सील कर दिया है। जो भी सामान ऐसा था वो सील